Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we will discuss upon executive. As we know that executive is the second organ of government. तो आज अपन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में. देखो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले है प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट इसी में पढ़ेंगे, इसी में प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे और इसी में ही अपन काउंसिल मिनिस्टर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट पे. देखिए जो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है, यहाँ पर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है. तो क्वेश्चन बन सकता है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्रेसिडेंट. क्वेश्चन ये भी बन सकता है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, स्टेट का जो है तो स्टेट का गवर्नर इसका आंसर होगा. तो स्टेट का गवर्नर उस स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है. फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल पे. देखो यहाँ पर दो आर्टिकल, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53. आर्टिकल 52 में क्या है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या है, प्रोविजन है. देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच देयर इज एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया. यानी इंडिया में प्रेसिडेंट क्या होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, यानी उसका पोस्ट होना चाहिए, ठीक है. फिर बात करते हैं आर्टिकल 53. आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर. यानी प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है. यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में होती है, प्रेसिडेंट के पास में. एंड ही विल यूज इट हिमसेल्फ, यानी वो खुद भी यूज कर सकता है और अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स द्वारा यूज करवा भी सकता है. जैसे सब ऑर्डिनेट प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो क्या हो जाएंगे इसके सब ऑर्डिनेट. काउंसिल मिनिस्टर क्या हो जाएंगे, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ही इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड. देखिएगा फॉर्मल सुप्रीम हेड का मतलब होता है ये केवल और केवल नाम मात्र के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है. इसका मतलब एक्चुअल हेड प्रेसिडेंट नहीं है, एक्चुअल जो हेड है वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. एक्चुअल हेड हो जाएंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर. देखिएगा जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी गवर्नमेंट का फॉर्म कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये ब्रिटेन से लिया गया है. तो उसमें एक तो फॉर्मल हेड होगा, ठीक है, यानी नॉमिनल हेड होगा, और एक क्या होगा, एक्चुअल हेड होगा. तो एक्चुअल हेड तो अपने कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो रियल में काम यही करते हैं, ठीक है. और नाम के हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है. फिर अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन. तो देखिए फर्स्ट देखिएगा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए. जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो वो इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए. नेक्स्ट देखिएगा, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, ये मिनिमम एज है, ठीक है. उसके बाद में देखिए, ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज अ लोकसभा मेंबर, यानी लोकसभा जो मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो उसके पास में होनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो. तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बता रखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर अपन बात करते हैं उसकी मिनिमम एज 35 होगी, ठीक है. फिर उसके बाद में वो लोकसभा की जो बाकी और जो क्वालिफिकेशन वो पूरी करता हो और वो किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए. और प्रेसिडेंट में देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है, प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में प्रोविजन को बताता है, और आर्टिकल 53 क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास में जो पावर होती है वो खुद भी यूज कर सकता है और अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स द्वारा यूज करवा भी सकता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट बताया था प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, जबकि एक्चुअल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर. हाँ, तो अब अपन बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर. देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो पब्लिक है वो वोट नहीं करती, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही वोट करते हैं, ठीक है. बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, देखिए लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऐसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे आ जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज, यानी यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी इसमें आएंगे, ठीक है. और इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, जो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है, ठीक है. फिर अपन बात करते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली होता है वो भी किसके जरिए, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर बोथ द हाउसेस आर प्रेजेंट, यानी दोनों हाउसेस के लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर आ जाएंगे। ऐसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर आ जाएंगे। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी, देखिए यूनियन टेरिटरीज में दो मेंबर, एक तो दिल्ली और सेकेंड है पुडुचेरी, दोनों के मेंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और ये अमेंडमेंट आया था 1992 से, यानी इनको इनको भी राइट मिल गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने का, ठीक है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, 17th अमेंडमेंट था, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी विल बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द स्पेशल इलेक्शन प्रोसेस, यानी एक स्पेशल इलेक्शन प्रोसेस होता है। यानी इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर तीन कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड कैंडिडेट सी। यानी मान लो कि कैंडिडेट ए को जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट कर रहे हैं प्रायोरिटी बेस पे, सेकंड प्रायोरिटी इनको दिया है और जो फर्स्ट प्रायोरिटी ए को दिया है और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो सी को दिया है, ठीक है। तो इस बैलेट के अकॉर्डिंग ये जो बी कैंडिडेट है वो क्या रहेगा, विनर रहेगा। अगर ऐसे ही सभी बी कैंडिडेट को जिताने चाहेंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बी को ही वोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक का ही वोट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल, एक का ही वोट तीनों को ही ट्रांसफर हो रहा होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर आएंगे और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर आएंगे, ठीक है। और इसको ही बोलेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। यानी ये क्या होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, मत पर्ची होती है, ठीक है। और इस फिर कैंडिडेट को क्या करना होता है, मिनिमम क्वार्टा भी क्या करना होता है, ऑब्टेन करना होता है। और मिनिमम क्वार्टा का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। यानी कहने का मतलब जो डाले गए वैलिड वोट और जितने कैंडिडेट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।